व्यूअर्स, अगर आप कलर डेफिशिएंट हैं और किसी ऐसे गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहे हैं जहां पर आंखों की जांच होती है और ये देखा जाता है कि आपको कलर विज़न डेफिशिएंसी तो नहीं, आपको पता होगा कि कुछ जॉब ऐसे हैं जहां पर आंखों के कलर विज़न की जांच की जाती है और ये देखा जाता है कि क्या आप सभी कलर सही से देख पाते हैं या नहीं। अगर आपको अपनी आंखों की कलर विज़न की जांच करनी है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं और अपनी आंखों को भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल आज हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन की जो आपने मुझसे किया था कि कलर विज़न टेस्ट के लिए डिस्टेंस कितना होता है और कितना समय मिलता है, और अगर कोई कलर डेफिशिएंट कोई चश्मा पहनकर अगर टेस्ट दे तो क्या वो दे सकता है। चश्मे का मतलब है कि जो कलर डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए, कम करने के लिए जो चश्मे यूज़ होते हैं, उन चश्मों की यहाँ पर बात हो रही, जो स्पेशल चश्मे होते हैं, जो आम चश्मे नहीं होते, वो पहनकर क्या हम कोई टेस्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें सवाल है वो ये है, इसमें तीन सवाल एक साथ जुड़े हुए हैं कि इसके लिए डिस्टेंस कितना होता है। तो डिस्टेंस आइडली जो 16 से जो 25 इंच का होता है वही होता है। जैसे नॉर्मल हाथ में मेरी एक बुक है और मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है, मैं इतनी दूर से यहाँ पर इसको देख रहा हूँ। मान लीजिए मैं एक कैंडिडेट हूँ और मुझे कोई बुक दिखा रहा है, तो मेरी पोजीशन ये होगी कि मुझे कोई इस तरीके से बुक दिखाएगा कि हाँ भाई देखिए, इसको देखिए, इस पढ़िए, और इसको यूं करके इसका शफल किया जाएगा और फिर पढ़िए इस तरीके से। बताइए बताइए बताइए, इस तरह से, यानी ऑलमोस्ट 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको सडनली ऑन द स्पॉट एकदम से बताना है कि इसमें क्या नंबर लिखा है। फिर देखिए, जैसे ये है, पूछा जाएगा क्या नंबर है या क्या बना है, इसमें क्या डिज़ाइन है, इसमें क्या है, यहाँ क्या है, इतना टाइम आपको मिलेगा। तो ऑलमोस्ट ज़्यादा सोचने का वहाँ पर टाइम नहीं होता, कि जैसे अगर हम पढ़े लिखे हैं तो जैसे नॉर्मल हम डिजिट्स को पढ़ सकते हैं जितने भी सेकंड में, उतने ही सेकंड में आपको उसको पढ़ना है। बट हाँ, मान सकते हैं 1-2 सेकंड ज़्यादा लगा लेंगे, लेकिन उसमें आप सोच रहे हैं, अगर वहाँ पर आप कहीं पर भी स्टक हुए, आपने थोड़ा सा भी इसको देख कर ऐसे यूँ किया कि आपको किसी ने बुक दिखाया वहाँ पर, जो हमारी इशारा बुक है, और ऐसे दिखाया, तो आप ऐसे करके सोच रहे कि इसमें कितना है, दैट मीन्स कि यू हैव अ डेफिशिएंसी, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है। या फिर अगर डेफिशिएंसी नहीं भी है तो यू आर बीइंग कन्फ्यूज, आप वहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा नर्वसनेस फील होगी, और दूसरा भी एकदम ये शक कर सकता है कि आपको कलर्स नहीं दिखाई दे रहे। तो इसलिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, इस बारे में देखिए, पहले से इन चीज़ों को समझिए कि इशारा बुक क्या होती है, उसे हमें कैसे पढ़ना है, उसको कैसे देखना है, उसमें अलग अलग तरीके के पैटर्न हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ नंबर ही हो, वहाँ पर कोई लाइनिंग भी हो सकती है, डिज़ाइन भी हो सकते हैं, पैटर्न भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। लेकिन उसमें अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो आइडियल डिस्टेंस जो ये होता है 16 से 25 इंच, यही होगा, और टाइमिंग वही कुछ सेकंड का, जिसमें 3 सेकंड, 4 सेकंड, बस इससे ज़्यादा नहीं, और आप किसी भी तरीके का कोई चश्मा पहनकर उसे नहीं दे सकते। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, और अगर आप कलर डेफिशिएंट हैं तो आज से ही आपको उन जॉब्स के लिए पहले तैयारी करनी चाहिए जिनमें कलर डेफिशिएंसी की जांच नहीं होती है। वैसे हमने एक वीडियो और भी बनाया था जिसमें हमने ये भी बताने की कोशिश की थी कि आपके अधिकार क्या हैं अगर आप एक कलर डेफिशिएंट हैं, क्योंकि आप नॉर्मल लोगों की तरह एलिजिबल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप नॉर्मल लोगों की कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके संबंध में भी हमने एक अच्छा वीडियो बनाया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। वो एक ग्रुप है, एक लड़का है जो कि आप लोगों के बिहाफ पर इस लड़ाई को लड़ रहा है, और आई थिंक सो कि जल्दी ही और जितने भी कलर डेफिशिएंट लोग भारत में रहते हैं उनके लिए कोई बड़ा डिसीजन आएगा। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और इस वीडियो से आपको उसके व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, आप वहां से जुड़ भी सकते हैं। तो दैट्स फॉर ऑल टुडे, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट ऑप्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। एक चीज़ और कि हम आगे आने वाली सीरीज़ शुरू कर रहे हैं आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में, तो अगर आप उसमें कुछ नया जानना चाहते हैं या उससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर उसके बारे में बताएं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जो पर्सनल प्रॉब्लम से आपकी जो पर्सनल इश्यूज़ हैं उससे जुड़े हुए हैं, तो वो भी आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आई थिंक सो कि डेफिनेटली आप मुझे ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई करेंगे, और जो इन वीडियोज़ में जो जानकारी दी गई है उसे लाभ भी उठाएंगे। So thanks for watching. See you in next video.